क्या अभी खाका तैयार है चुनाव का? किसी भी वक्त चुनाव होगा, ये निश्चित मानिए। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से इस प्रदेश में आ रही है। तैयार है? नहीं, जो भी दायित्व पार्टी देगी। इस हफ्ते मिलिए उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट से रविवार शाम 7:30 बजे और सोमवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ के न्यूज पर। एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी यूं तो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुई और उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही अपनी छात्र राजनीति शुरू की। उसके बाद युवा लोकदल, लोकदल के बाद आप जनता दल, जनता दल के बाद बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बाद में भारतीय जनता पार्टी में आ गए। हम उनसे जानेंगे कि क्या कारण थे जो जिसकी वजह से उनको बहुजन समाज पार्टी छोड़नी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ा, और उनकी छात्र राजनीति के बारे में भी जानेंगे हम। आइए कर लेते हैं मौर्य जी से बात। मौर्य साहब, आप प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन आपने अपनी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद से की, क्या कारण था उसका? उसका मुख्य कारण ये था कि प्राथमिक शिक्षा चूंकि तो मैंने अपने गांव चकवण प्रतापगढ़ से प्राप्त की जी। इंटर की शिक्षा इलाहाबाद के सोराव तहसील स्थित श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज कल्याणपुर से की। आसपास चूंकि कोई और डिग्री कॉलेज नहीं था, सबसे ज्यादा नजदीक घर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही था, इसलिए उच्च शिक्षा लेने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरा दाखिला हुआ। वहां से एमए एलएलबी की डिग्री। आपने एमए किया, आपने वकालत भी किया, फिर अचानक से राजनीति में कैसे आपका रुख हो गया? अब चूंकि छात्र राजनीति से ही कहीं ना कहीं कुछ छात्रों के मोटिवेशन से मैं राजनीति में रुचि ली और विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा। ठीक उसके बाद क्योंकि मेरी लॉ कंप्लीट हो गई थी तो मुझको यूनिवर्सिटी छोड़ना था, और छोड़ते ही उसमें चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में मैं लोकदल की राजनीति में सक्रिय हुआ और 80 में ही मैं युवा लोकदल का प्रदेश महासचिव बना। आपने जो अपनी छात्र राजनीति शुरू किया तो उसके बाद फिर अचानक से युवा लोकदल में आ गया, कैसे ये सफर कैसे तय? क्योंकि उसमें चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे, गरीबों के नेता थे, उनकी एक ईमानदार छवि थी, और साथ ही साथ उस समय उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में कह लीजिए तो चौधरी चरण सिंह जी के नाम की तूती बोलती थी, और चूंकि संस्कार हमारा सदैव विरोध कर रहा है इसलिए कांग्रेस की राजनीति मेरी समझ के परे रही। नतीजा हुआ कि चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में मैंने लोकदल की राजनीतिक पारी प्रारंभ की, युवा लोकदल के प्रदेश महासचिव से मैंने शुरुआत किया, फिर लोकदल के महासचिव, फिर लोकदल के मुख्य महासचिव, और 91 में आप, हम यहीं पर जान लेते हैं आपसे, आप युवा लोकदल के बाद में लोकदल में आ गए, युवा लोकदल में आप महासचिव रहे, उसी लोकदल में चौधरी चरण सिंह के साथ में प्रदेश के नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी थे, तो वो अध्यक्ष थे। जब श्री मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के अध्यक्ष थे तो मैं उनकी भी कार्यकारिणी में प्रदेश का सचिव महासचिव था, और 89 में जब जनता दल में लोकदल का विलय हुआ तो कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद के चलते यशन बहुगुणा जी जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय महासचिव तत्कालीन रामनरेश कुशवाहा जी के साथ मैं भी इनके साथ खड़ा हुआ, और जनता दल में उस समय लोकदल का विलय हमारे धड़े ने यानी बहुगुणा जी के नेतृत्व का धड़ा उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। लोकदल का विलय 91 में जनता दल में हमने तब कराया जब पिछड़ों के लिए आरक्षण हेतु मंडल आयोग की सिफारिशें तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी द्वारा लागू की गई, और उत्तर प्रदेश में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने उस मुसीबत के समय बीपी सिंह का साथ न देकर के आरक्षण विरोधी चंद्रशेखर जी का साथ दिया, तो कहीं न कहीं
दिमाग में खटका कि चूंकि मंडल आयोग की सिफारिशों के बिना पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर से बीपी सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा, इसलिए पिछड़ों के नेता होने के नाते मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी को बीपी सिंह का साथ देना चाहिए था, लेकिन उनका साथ न देकर के कुछ और दिन मुख्यमंत्री बने रहने के लालच में श्री चंद्रशेखर जी का साथ दिया, तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं वो मन में गुस्सा था और बीपी सिंह की उस मंडल आयोग की सिफारिशों के बिना पर पद से शहादत के चलते हमने 91 में जनता दल में विलय का निर्णय लिया। दया निधान पार्क में कार्यक्रम हुआ जिसमें श्री बीपी सिंह जी, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी आदि बड़े नेता उस कार्यक्रम में शरीक हुए थे। यहां तक कि श्री कर्पूरी ठाकुर जी भी उस कार्यक्रम में आए थे। और उसके बाद मैं जनता दल के प्रदेश महासचिव के पद से जिम्मेदारी संभाली। 95 तक मैं जनता दल का प्रदेश महासचिव था। के बाद एक बात यहाँ पर यह है मौर्य जी कि मुलायम सिंह यादव तो अपने आप को पिछड़ों का चैंपियन बताते हैं, वो तो सबसे बड़े नेता बताते हैं अपने आप को, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो उन्होंने पिछड़ों का साथ नहीं दिया, मंडल कमीशन लागू नहीं किया? देखिए, वो पिछड़ों के नेता थे, इसीलिए बीपी सिंह का साथ न देने पर सबको मलाल हुआ जी। अगर पिछड़ों के नेता नहीं होते, एक सामान्य नेता होते तो शायद बीपी सिंह का साथ न देने का मलाल किसी को नहीं होता, क्योंकि हम लोग वास्तव में उसमें श्री मुलायम सिंह यादव जी के संघर्ष के कायल थे, पिछड़ों के नेता भी थे, कार्यकर्ताओं के सुख में पहुंचते भी थे। लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने पर जब बीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा तो उस समय श्री मुलायम सिंह यादव जी कुछ और दिन के लिए मुख्यमंत्री बने रहे, इसलिए चंद्रशेखर जी का साथ देना उचित समझा, बीपी सिंह का साथ नहीं दिया। लेकिन हमने लोकदल के अंदर वैचारिक मंथन और चिंतन करके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनरेश कुशवाहा जी को जनता दल में विलय के लिए राजी किया और दया निधान पार्क में कार्यक्रम करके रामनरेश कुशवाहा के नेतृत्व की लोकदल को उस समय जनता दल में विलय कराया, जिसमें श्री बीपी सिंह जी, रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी, श्री कर्पूरी ठाकुर जी आदि तमाम बड़े नेता उस कार्यक्रम में आए भी थे। और तभी से जनता दल के प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए 95 तक जनता दल में काम किया। फिर 95 में भी समाजवादी पार्टी से तालमेल की बात जब जनता दल के नेतृत्व ने किया तो उसका मुखर विरोध मैंने किया और उसी मुखर विरोध के चलते मैंने जनता दल से इस्तीफा दिया, जिसके चलते उस समय तमाम मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जब मेरा विरोध मुखर तरीके से सार्वजनिक हुआ तो सुश्री मायावती जी ने मेरी तलाश करवाई, मुझे बुलवाई, बसपा में शामिल होने के लिए मुझे राजी किया। 2 जनवरी 1996 को मैंने रविन्द्रालय में अपने कार्यकर्ताओं के साथ घोषणा की और उस समय रविन्द्रालय भी खचाखच भरा हुआ था, भीड़ को देख करके ही तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव बसपा सुश्री मायावती जी, उन्होंने तत्काल मुझको मंच पर ही प्रदेश का महासचिव मनोनीत किया। लेकिन सवाल ये उठता है तो क्या ये माना जाए कि शुरू से ही आप मुलायम सिंह यादव के विरोधी थे और मुलायम सिंह यादव आपके विरोधी थे, यानी कि दो पिछड़ों के नेता आपस में ही लड़ रहे थे? नहीं नहीं, देखिए उस समय इसमें कोई दावा नहीं कि मुलायम सिंह जी एक स्थापित नेता हो गए थे। हम नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, हम उनसे राजनीति में बहुत पीछे प्रवेश किए तो राजनीति में हमारे नेता थे उस समय, इसमें कोई दोहरा नहीं। वैचारिक मतभेद के चलते कहीं न कहीं मतभेद हुआ, लेकिन जब तक साथ थे तब तक उनका हमें भरपूर सानिध्य मिलता रहा, स्नेह मिलता रहा। लेकिन जब वैचारिक मतभेद हुआ तो स्वाभाविक रूप से मैंने दूरी बनाई, वो दूरी आज तक बनी रही। आप जनता दल में आ गए, जनता दल में काफी बड़े बड़े नेता थे, कर्पूरी ठाकुर आपने कहा थे, उसमें तमाम बड़े नेता थे, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी भी थे,
तो ऐसे में मुलायम सिंह क्यों अपने अलग थलग पड़े, अपनी अलग पार्टी क्यों बनाए फिर उसके बाद? अब ये तो श्री मुलायम सिंह यादव जी की अपनी सोच है जी। उत्तर प्रदेश में उन्होंने पार्टी बनाना समझा होगा, इसलिए बनाया होगा, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन इतना जरूर है कि जनता दल में तमाम बड़े नेताओं के सानिध्य में काम करने का मौका मिला, और वो भी 95 में भी कहीं न कहीं जब जनता दल ने समाजवादी पार्टी से तालमेल कर लोकसभा चुनाव लड़ने की पेशकश की, तभी इसका मैंने कड़ा विरोध किया, प्रतिवाद किया। पूरी प्रदेश इकाई मेरे साथ खड़ी हुई, केंद्रीय नेतृत्व को भी मेरे उस विरोध के सामने झुकना पड़ा। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मैं केंद्रीय नेतृत्व को आपकी सारी भावनाओं को अवगत रहूंगा, बात रखूंगा। और जब केंद्रीय नेतृत्व भी दो धड़ में बढ़ गया, जिसमें समाजवादी पार्टी से तालमेल करने के लोगों का धड़ा मजबूत साबित हुआ, विरोध करने वाले कहीं न कहीं चुप लगा गए, तो मैंने उस समय जनता दल छोड़ा था और बहुजन समाज पार्टी 2 जनवरी 1996 को। क्या लगता है जनता ठीक बात, जनता पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता थे और ये बार बार अपॉर्चुनिस्ट की कहीं राजनीति तो नहीं आती कहीं, क्योंकि पार्टी बनाते हैं अलग से, फिर मुलायम सिंह का विरोध करके पार्टी बनाते हैं, फिर उसके बाद में पार्टी को तोड़ करके उनसे मिल जाते हैं, उन्हीं के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो ये क्या कहीं एक जो हम अपॉर्चुनिस्ट की राजनीति तो नहीं कर सकते हैं? देखिए उस समय मुलायम सिंह जी ने पार्टी बनाई, उनकी अपनी कोई अलग राजनीतिक सोच रही होगी, उत्तर प्रदेश के परिवेश में उन्होंने जो बेहतर समझा वो किया होगा। ये मुलायम सिंह जी का अपना निजी निर्णय था, उससे हमारी सहमति या असहमति का कोई मतलब नहीं उठता। हाँ इतना जरूर है कि जनता दल में रहते हुए कहीं न कहीं मतभेद तो पैदा हो गए थे जब वो चंद्रशेखर जी के साथ रहकर के 4 महीना और मुख्यमंत्री बने रहने के लालच में जनता दल और बीपी सिंह तथा अन्य तमाम बड़े नेताओं का साथ छोड़ा था, तो स्वाभाविक रूप से वो बात मेरे मन में रही कि मंडल आयोग की सिफारिशों के बिना पर जो श्री मुलायम सिंह यादव जी ने बीपी सिंह या जनता दल का साथ न देकर के चंद्रशेखर जी के साथ जाने का निर्णय लिए, उनके साथ लोकसभा चुनाव 2096 में लड़ने का औचित्य क्या है? और इसी का मैंने विरोध किया, क्योंकि राजनीति में किसी व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई नाराजगी या दुश्मनी नहीं रहती। जो भी नाराजगी या दुश्मनी होती है वो वैचारिक होती है, वैचारिक रास्ते पर चलते चलते एक दूसरे के लोग नजदीक आते हैं, एक दूसरे के दूर होते हैं, और वैचारिक जो मतभेद है वो स्वाभाविक है। जो भी राजनीति करता है उसकी कोई ना कोई अपनी वैचारिक सोच होती है, उस सोच के मुताबिक जो आता है वो उसका साथी होता है, जो नहीं आता है वो दूरी बना लेता है, वो उसका विरोधी होता है। आपने 1996 में बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की और 1996 में पहली बार ही विधायक बने, क्या था कैसे ये सफर? अब संघर्ष की राजनीति से निकल करके विधानसभा तक ये सफर कैसा रहा? सफर तो सुहाना था जी। क्योंकि संघर्षों की हमारी एक लंबी पारी थी, 80 से लेकर 95 तक लगातार संघर्षों की ही राजनीति मैंने किया, और विशेष रूप से मैं विपरीत वातावरण के खिलाफ हमेशा लड़ता रहा। मैंने राजनीति की शुरुआत ही रायबरेली जनपद से की, जहां उस समय कांग्रेस की तूती बोलती थी, केंद्र और प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें होती थी, वहां जन सामान्य चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल हवा हवाई हो जाता था। उसके बावजूद मैंने कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस के दांत इकट्ठे किए, और पहली मर्तबा मेरे नेतृत्व में बसपा का खाता भी रायबरेली से ही खुला। उसके पहले बसपा कभी भी वहां तीसरे चौथे पायदान पर भी नहीं रही, और तब से लगातार अब 4 बार विधायक हो चुके, 4 बार विधायक हो गए। 2007 में थोड़ा ब्रेक हुआ जिसमें विधान परिषद सदस्य बनने का मौका मिला।
हम आएंगे, हम आपसे जरूर जानेंगे, आप चार बार विधायक रहे, कई बार मंत्री भी रहे, सब जानेंगे, ये भी जानेंगे कि आपने कई अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ा, इसके विषय में भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आइए ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे वापस तो जरूर मौर्य साहब से कि क्यों पहले उन्होंने प्रतापगढ़ में उनका जन्म हुआ, इलाहाबाद में उन्होंने छात्र राजनीति शुरू की, फिर रायबरेली से चुनाव लड़ा, उसके बाद फिर आजमगढ़ चले गए, क्या कारण थे, इन सब पर भी जरूर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है मौर्य साहब। शुक्रिया। आपका आप प्रतापगढ़ में आपका जन्म हुआ, आपने अपनी छात्र राजनीति इलाहाबाद से शुरू किया, फिर पहली बार विधायक बने आप रायबरेली से, कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद आप कुशीनगर चले गए, ये क्या क्या कारण क्या थे? मेरा अपना जिला लगता है, पूरी प्रदेश की कोई भी क्षेत्र हो वो मेरी कर्म भूमि लगती है, वहां के लोग मेरे अपने लगते हैं, इसलिए कहीं पर भी जाने पर न मुझे कार्यकर्ताओं का कभी अभाव पड़ता है, ना पहचान के लिए मैं मोहताज रहता हूं, और साथ ही साथ इतने लंबे राजनीतिक दौर में मैंने जो निष्ठा ईमानदारी समर्पण से काम किया है उसके चलते सभी समाज के लोग कहीं ना कहीं मेरे कार्यों के मेरे व्यवहार के कायल हैं, मुरीद हैं। आपने कहा कि आपने अब जो आपके साथ लोग आए थे उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, खबर यह भी थी कि आपके पास 28 से लेकर के 32 विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, अब तक कितने विधायक ज्वाइन कर चुके हैं और कितने लोग आपके साथ? अभी तक 6-7 विधायक तो हो ही गए ज्वाइन करने वाले, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे शामिल होने की कतार भी लंबी होती जाएगी। आप क्या टीएनयू पर खुलासा करेंगे कि कितनी कतारों कितनी लंबी लिस्ट हो गई है? बहुजन समाज पार्टी का पूरी तरह सफाया हो जाएगा, नहीं कुछ संख्या सही ना, 3/4 मान लीजिए, नहीं कुछ ज्यादा जी, वो 50 के ऊपर हो जाएगा संख्या, 50 के ऊपर बहुत। आपने कहा, अब दूसरी बात यह है, आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, खबर अंदर की यह है कि आपको पहले कैबिनेट दर्जा दिया जाना था, कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी में, वो आपने नहीं लिया, नहीं जो शर्त लगाई आपने, दूसरी शर्त लगाई जो खबर हम लोग के पास में है, जो उन लोगों ने मानी कि आपको 50 विधायक चुनने का अधिकार दिया गया, क्या 50 सीट पर अपने लोगों को टिकट बांट सकते हैं? नहीं, तभी नहीं, तो आप बहुजन समाज पार्टी के लोगों को उसमें एडजस्ट कराएंगे? ये सारी खबरें हवा हवाई हैं। जब मैं 8 अगस्त को भाजपा ज्वाइन किया हूं तो पहले मंत्री बनाने का औचित्य कहां उठता है, एक चीज नहीं, उसके बाद भी मोदी का कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ? नहीं नहीं, 8 अगस्त के पहले हुआ था, 8 अगस्त के बाद ना मेरी कोई वार्ता हुई, ना कोई इस प्रकार का प्रस्ताव आया, जब मैं भाजपा में था ही नहीं तो प्रस्ताव आने का कोई औचित्य भी नहीं था। और रही बात टिकटों की, तो देखिए मैं शुद्ध रूप से राजनीतिक व्यक्ति हूं, धंधे पानी व्यवसाय में तो सौदा चलता है, राजनीति में सौदेबाजी नहीं होती है, जो सौदेबाजी की राजनीति करते हैं हम समझते हैं सही माने में राजनीतिक नहीं है, आपने लोगों को समायोजित कर, हम जहां भी थे ईमानदारी से थे, आज भी जहां रहेंगे ईमानदारी से रहेंगे, और साथ ही साथ स्वाभाविक रूप से मैं ईमानदारी से ही अपने कार्यों के बलबूते पर अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध करूंगा। स्वाभाविक रूप से चूंकि इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है, तो मैं चाहूंगा कि हर सीट जीतने के लिए लड़ी जाए, और जीतने के लिए लड़ी जाए इसके लिए आवश्यक है कि जो भी चेहरा हो वो सर्वमान्य हो, कम से कम अपने समाज में उसकी अच्छी एक पहचान हो, पकड़ हो, जिससे कि अन्य वोट शामिल होने से वो जीतने के लिए भारी पड़े, साथ ही साथ केवल लड़ाने के लिए हम किसी को लड़ाएं,
ये भी बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि इसमें चुनाव केवल लड़ना लड़ाना माने नहीं रखता, इसमें हर सीट को जिताना माने रखता है, सरकार बनाना महत्वपूर्ण है। बात है, ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी मुख्यमंत्री का चेहरे का वो नहीं किया, ऐलान नहीं किया, कह रहे हैं डेढ़ दो महीने बाद में ऐलान कर देंगे। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, वो चेहरा होंगे? देखिए, जो फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है, हम उसमें माथापच्ची क्यों करें? जो भी जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व देगा, ईमानदारी से मैं उसे निभाऊंगा। केंद्रीय नेतृत्व के अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा, संगठन को मजबूत बनाऊंगा। इसलिए जो हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी है, मैं उसको उसके प्रति ईमानदारी से खड़ा हूं। लेकिन जो फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है, हम दीवार स्वप्न को उसके लिए देखें। कल्याण सिंह जब तक थे, सवर्ण और बैकवांडो ने मिलाकर के सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई, लेकिन जब से कल्याण सिंह साइडलाइन हुए सरकार नहीं बनी। 13 साल हो गए, डेढ़ दशक का समय हो गया। आप लोग ये कह रहे हैं कि आपने उनको रिप्लेस किया कल्याण सिंह को। देखिए, कोई किसी को रिप्लेस नहीं करता, सबके अपने अपने जनाधार होते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि भाजपा में मेरे सम्मिलित होने के बाद 15% वोटों का इजाफा कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अवश्य हुआ। अति पिछड़े समाज के लोग भाजपा में मेरे साथ बड़े पैमाने पर सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि उनका नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी में ही करता रहा है। बहुजन समाज पार्टी में सारे नेताओं के दरवाजे बंद होते थे, केवल स्वामी प्रसाद मौर्य का दरवाजा खुला रहता था, जहां 24 घंटे दलित, पिछड़े, अगड़े, अक्षर, सभी समाज के लोगों की भारी भीड़ रहती थी जो मेरे फैसले के साथ। एक आखिरी सवाल, आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, आप बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग आपसे नाराज भी हो गए। उनको लगने लगा कि जो स्थापित लोग हैं वो अब उनकी कहीं जगह नहीं बच रही, इसलिए आपके वो दुश्मन भी हो गए, आपके भाजपा में भी दुश्मन हो गए। अगर वो उनको लगता कि आप उनको रिप्लेस कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ। मेरे आने से उनको भी ताकत मिलेगी जो घबराहट में है। जिनको आप दुश्मन कर रहे हैं वो भी हमारे मित्र हैं, वो भी हमारे सहयोगी हैं, वो भी हमारे साथी हैं। मैं राजनीति में किसी को दुश्मन मानता ही नहीं, क्योंकि राजनीति जोड़ने का होता है, तोड़ने का नहीं होता है। तोड़ने वाले राजनीतिक नहीं होते हैं। और जितना बड़ा हमारा जनाधार होगा, उतनी ही ज्यादा सीटें हमारी जीत करके आएंगी। हमें पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनानी है तो सबको ले चलने का काम करना पड़ेगा। और यदि कोई सोचता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से किसी के अस्तित्व पर खतरा है, तो ये उसकी नादानी हो सकती है। हम तो जोड़ने आए हैं, इसलिए जो पहले से है हम उसको सम्मान देंगे, साथ लेके चलेंगे। यदि किसी की शिकायत मेरे सामने आती तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है, बहुजन समाज पार्टी से भी तमाम विधायक आए हैं, तमाम नेता आए हैं, हमारे नेतृत्व में आए हैं और अभी भी आने का सिलसिला जारी है। ये चुनाव तक चलता रहेगा, तो जो भी आ रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और ऐसी हालत में जो बड़ी जमात लेके आ रहा है, तो पहले से स्थापित जमात को भी वो अपने साथ लेके चलने का प्रयास करेगा। हम सबको बांध करके एक साथ चलने की कोशिश करेंगे। यदि कोई व्यक्ति विशेष कहीं किसी प्रकार से कुंठा से ग्रसित है, तो उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं जब भी जहां भी राजनीति में रहा हूं, नेतृत्व के प्रति,
विश्वसनीयता के साथ ईमानदारी से काम करना मेरी शैली रही है, चरित्र रहा है, मैं उसी का आज भी कायल हूं, उसी पर आज भी चलूंगा। और साथ ही साथ मैं राजनीति में कभी भी कहीं भी लोकदल, जनता दल, बहुजन समाज पार्टी में अपना किसी को दुश्मन माना ही नहीं। यदि कोई मुझसे नाराज रहा होगा तो ये उस तक सीमित रही होगी। तमाम लोगों ने कहा भी कि फला आपका विरोध करते हैं, तब भी मैंने तवज्जो नहीं दिया। आज भी वो मेरी आदत नहीं है, इसलिए कौन विरोध करता कौन नहीं विरोध करता ये हमारा विषय नहीं है। हम सबको लेकर साथ चलने में विश्वास करते हैं, पहले भी करते रहे, आज भी कर रहा हूं, आगे भी करूंगा, क्योंकि राजनीति में रहने वाला व्यक्ति सबको साथ लेके चलने वाला ही सही मायने में राजनीतिक हो सकता है। और सबको साथ लेके चलने में जो राजनीति नहीं करता है वो कच्चा राजनीतिक है, वो कभी भी सफल राजनीतिक नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपका, आपने के न्यूज से बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बता रहे थे कि सच्चा राजनीति जो होता है वो सबको लेके चलता है, वो तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करता है, वो विरोधियों को भी अपने साथ मिलाकर चलने की कोशिश करता है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने खुलासा किया कि 5 से 7 विधायक पहले ही बसपा के ज्वाइन कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी, और चुनाव आते आते 50 की लिस्ट अभी और है उनके पास में जो कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हमें बता रहे थे अंदर खाने की सारी खबरें। अब हमें दीजिए इजाजत हमारी टीम के साथ में, और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।